हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ हुआ है, सर्दियां चल रही हैं और अंडे तो हर किसी के घर में खाए जा रहे हैं, तो बस बॉयल एग तो सभी शौक से खा लेते हैं। तो बस इसके लिए जो है ना, आज मैंने ये रेसिपी ली है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर विंटर में। तो आज हम बना रहे हैं अंडे छोले और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत अच्छी बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं ये कैसे बनाएंगे हम ये अंडे छोले। तो बस इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो देख लेते हैं ये अंडा चना बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, कैसे बनाएंगे हम और क्या क्या डालेंगे इसके अंदर। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये चने लिए हुए हैं और ये चने कुछ एक पाव के करीब हैं, इनको बॉईल करा हुआ है देखें, और ये बॉईल चने हैं। और साथ ही मैंने 6 अंडे लिए हैं, इनको भी बॉईल कर लिया है। 3-4 हरी मिर्चें ली हैं और इसका मसाला नोट कर लें आप। देखें, ये 2-3 प्याज़ें थीं, उनको ऐसे मैंने पीस लिया है, ठीक है। आप चाहें तो चॉप करके डाल लें बारीक, और अगर आप पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इसे पीस लें। और ये 2-3 टमाटर थे, इनको भी मैंने पीस लिया है। और ये 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये ऐड करेंगे हम। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसमें, 1 टेबल स्पून के करीब है ये भी। कुछ खड़े गरम मसाले हैं देखें, ये ऐड करेंगे। और कुछ सूखे मसाले नोट कर लें आप, देख लें क्या क्या डालेंगे हम। 1 चम्मच जो है नमक शामिल करेंगे, हसब ज़रूरत आप ऐड कीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून जो है हल्दी पाउडर है, और 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर है, और बिल्कुल 1/6 जो है वो ज़ीरा पाउडर लिया है। और जब ये रेडी हो जाएगा तो हम गरम मसाला पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। तो बस बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे चने जो हैं वो भी बॉयल हैं और एग भी बॉयल है, तो बस मसाला ही बनेगा इसका। झटपट से क्विक वाली रेसिपी होती है ये, बहुत अच्छी बन जाती है अंडे छोले की। इससे पहले मैं मुर्ग छोले भी डाल चुकी हूँ अपनी चैनल पे, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो रेसिपी भी देख सकते हैं। हिसाब से लीजिएगा जितना आप खाते हैं। वैसे मैंने ये पेस्ट ऐड कर देना है, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे। दीदी, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ मसाले का ही सारी बात है, पकाना जो है हमने बस मसाला ही रेडी करना होता है। छोले हम अलग बॉईल कर लेते हैं, अंडे भी हम अलग बॉईल कर लेते हैं, तो इसका मसाला जो आपने बनाना है ना, बहुत अच्छे से बनाना है और बिल्कुल भुना भुना सा अच्छे से भूनना है इस मसाले को, तो यही जो है ना टेस्ट लाएगा आपके सालन में। अब देखें, इस तरीके से प्याज डालने के बाद जो है मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताई थी वही सब चीज़ें। आप स्पाइस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी इसमें ग्रीन चिली क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, आप चाहें तो इसमें चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, बट प्यूरी जो है वो आपको आसानी पैदा कर देती है, आपका मसाला जल्दी हल हो जाता है। बस आपने क्या करना है, इसको अच्छे से भुनाई करनी है बस, और इसकी भुनाई जो है काफ़ी देर में ही होती है, तकरीबन आधा घंटा आपको लग जाएगा ये अच्छे से भूनने में इसको, इस मसाले को। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे छोड़ रही हूँ हल्की आंच पर, ताकि ये अच्छे से भुनने के लिए रेडी हो जाए और जो पानी है वो इसका ख़त्म हो जाए। देखें गाइस, मसाला जो था मैंने अच्छे से भून लिया था अंडे चने का। अब देखें, इसने जो है ना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है, और चनों का जो पानी था ना थोड़ा सा, वो मैंने इसमें डाला है, ऐड किया है। तो अगर आपका हो चने चने का पानी जो बॉयल किया, आप फेंकना नहीं, वही ऐड करना है इसमें। और वो डाल डाल के मैंने इसको भून लिया था, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, बट मैंने कहा आपको बता दूं। तो बस साथ में हम इसमें चने ऐड करेंगे, देखें। चने डालकर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे इसकी, ठीक है।
देखें किस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो रही है, और बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, मूंग चने की भी एंड अंडा चने की भी। आप इसे पराठे के साथ, नान के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं ये, और सर्दियां हैं तो ये ज़रूर बनाइएगा। देखें ये चना हमारा भुन रहा है मसाले के साथ। इसके अंदर देखें जो मैंने ये लिया था कसूरी मेथी, इसको धो लिया था मैंने अच्छे से। इसके अंदर जो भी मिट्टी होती है वो निकाल लीजिएगा, अच्छे से इसको वॉश करिएगा, वो ऐड कर दिए, और ये डाल के हम इसको भूनेंगे। फिर इसमें जो खुशबू है ना वो बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी हमारी, क्योंकि मेथी की खुशबू होती है इतनी अच्छी है। तो देखें गाइस, ये अच्छे से भून लिया है मैंने छोलों को मसाले के साथ, और ये छोले जो थे ना मैंने ज़्यादा गलाए हुए थे, थोड़े नरम थे ये। इससे क्या होता है आपके जो सालन होता है वो उसका टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है, और भूनते टाइम भी मैंने इनमें थोड़ा सा एक दो चम्मच मारे हैं ताकि छोले जो है ना थोड़े से टूट जाएँ, और ग्रेवी जो है ना हमें अच्छी गाढ़ी सी मिले, और मसाला जो इसका आए वो छोलों के टेस्ट के साथ आए। तो बस सिंपल देखें इतना ही हमने इसको पकाना था। अब इसमें देखें मैं थोड़ी सी ना ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें, और जो हमारे बॉयल एग हैं वो रखेंगे, और इसको हल्की आंच पर बिल्कुल 5 मिनट हम पकाएंगे। और ये ऑलरेडी हमारा सालन तो रेडी हो ही गया है छोलों का। अंडे हमने बॉयल किए हुए थे देखें, और बस इसको हम रखेंगे सालन में। बस इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है ना ढककर हल्की आंच पर पकाऊंगी, इतना कि हमारी मिर्ची भी सॉफ्ट हो जाए और हमारे जो ये अंडे हैं इनमें भी थोड़ा मसाले का टेस्ट आ जाए। ठीक है, तो देखें गाइस, ये हमारे चना अंडा जो है ना वो रेडी हो गया है। इसे मैंने सर्व कर लिया, देखें कैसे ज़बरदस्त लग रहा है इसका मसाला भी, ग्रेवी भी, और इसकी खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है इस वक्त, जो कि कसूरी मेथी की है, बहुत ही धीमी धीमी सी, और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसे नान के साथ खा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है इसका नान के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगेबान।